तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ सेक्सी टिप्स ट्रिक्स के बारे में जो कि आप यूज़ करके अपनी फोटोज़ क्लिक कर सकते हैं और अपने इंस्टाग्राम फेसबुक आईडी पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जो है जनरेट कर सकते हैं, फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ जो लड़कियाँ आपको भाव नहीं देती थी वो आपको भाव देना शुरू कर देंगी। तो वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना। Pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और आज की वीडियो छोटी सी एक ब्लॉग वीडियो होने वाली जिसमें कि मैं कुछ पोजेस के बारे में बात करूँगा जो कि काफ़ी आप यूज़ कर सकते हैं। और हर बॉडी टाइप के बंदे को, जो हमारे भाई होते हैं, जैसे कुछ भाई पतले होते हैं, कुछ भाई थोड़े हेल्दी होते हैं, तो उन सब के लिए ये पोजेस जो हैं अच्छे रहेंगे, बेनिफिशियल रहेंगे। और अगर आप ये पोजेस के साथ फ़ोटो क्लिक करेंगे तो जो आपकी जो इंस्टाग्राम की फ़ैन फॉलोइंग है वो डबल ट्रिपल हो जाएगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप ये टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा लाइक्स इन्हीं फ़ोटोज़ पर आने वाले हैं जो आप मेरी ये वीडियो देखने के बाद क्लिक करने वाले हैं। और आज की वीडियो में साथ साथ बात करेंगे कैमरा सेटिंग्स की कि आपको फ़ोन फोटोग्राफी से कैसी क्या कैमरा सेटिंग्स रखनी चाहिए। कुछ ज़्यादा हार्ड साइंस के बारे में बात नहीं करेंगे। प्रो मोड हम यूज़ नहीं करने वाले इसके अंदर, सिंपल ऑटो मोड पे कुछ ऐसी मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बताऊंगा जो कि काफ़ी बेनिफिशियल हैं और फोटो शूट को आपके काफ़ी अच्छा कर सकती हैं। तो सबसे पहले लोकेशन दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने घर की छत के ऊपर और आज की लोकेशन हमारी ये है। और आज मैं बताऊँगा कि हम अपने घर बैठ के अपनी छत को इस्तेमाल करके कैसे प्रोफेशनल फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले छत के ऊपर आने पर आपने चीज़ें जो नोटिस करनी है कि आपकी छत पे क्या कुछ सामान पड़ा हुआ और किन किन दीवारों को आप यूज़ में ले सकते हैं किस किस फ़ोटो के लिए। जैसे कि मैं अभी कंसीडर कर रहा हूँ कि कहाँ पे मैंने कौन सा पोज जो है क्लिक करना है मॉडल के साथ, वैसे ही आप भी थोड़ा कंसीडर कर सकते हैं। अपना थोड़ा सा दिमाग आप यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने कहाँ पर कौन सी फ़ोटो खींचनी है। वो था पहला फेज़ और ये दूसरा फेज़ है मेरी छत का। यहाँ पर मैं चीज़ें देख रहा हूँ कि कौन सी चीज़ पर मैं क्या पोज मैं सेट करवा सकता हूँ। ये चीज़ें दोस्तों आपने भी करनी, आप कर सकते हैं, बहुत आसान होता है, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें। तो दोस्तों जैसा कि हमने अब लोकेशन देख ली है और अब हम बात करते हैं कैमरा की। तो कैमरा मेरे पास, मैं आज जो यूज़ करने वाला हूँ Redmi Note 8 Pro का कैमरा मैं यूज़ करने वाला हूँ शूट। Doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. और जो भी फोटो होंगी मैं सारी इसी से एडिट भी करूंगा। अब हम इसकी कुछ एसेंशियल सेटिंग्स जो हैं कर लेंगे इसमें चेंज, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया प्रो मोड हम यूज़ नहीं करने वाले, तो कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं जो हमें एक बार चेंज करनी होंगी, उसके बाद हमें कोई दिक्कत परेशानी वाली नहीं आने वाली, थ्रू आउट द शूट कोई सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले वो सेटिंग्स कर लेते हैं हम। तो दोस्तों ये कुछ सेटिंग्स मैं अपने फ़ोन के अंदर करने वाला हूँ, आप भी अपने सिंपल फ़ोन में कर सकते हैं। मेरे पास जैसा कि मैंने बताया Redmi Note 8 Pro है, इसकी हमने सेटिंग्स में जाना है कैमरे को ओपन करने के बाद। और सेम आपके पास कोई सा भी फ़ोन है, Oppo, Vivo, कोई भी फ़ोन है, आपने कैमरा खोलना है, उसकी सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपने कुछ फीचर्स जो है देखने हैं। एक तो वाटर मार्क का जो होता है वो आपने ऑफ़ कर देना। वाटर मार्क मेरे को नहीं अच्छा लगता है, फ़ोटोज़ बेकार हो जाती हैं वाटर मार्क लगने से, तो उसे ऑफ़ कर लेना। अब आती है पिक्चर क्वालिटी। पिक्चर क्वालिटी आपने हाई पर रखनी। हाई रखने से फ़ायदा ये होगा कि जो फ़ोटोज़ हैं वो बड़ी एमबी में क्लिक होंगी और जब हम इसको एडिट वगैरह करते हैं तो पिक्सेलेट नहीं होती फ़ोटोज़। तो हाई पे आपने पिक्चर क्वालिटी रखनी है। बाकी इसमें एक आता है शो ग्रिड लाइंस, ये आपने ओके कर लेना। किसी में गाइड लाइंस होगा, किसी में ग्रिड लाइंस होगा, फ़ोन टू फ़ोन वेरी कर सकता है, ये आपने ऑन कर लेना। बाकी कुछ फ़ीचर्स हैं जिन्हें हम नहीं छेड़ेंगे यहाँ पर, ये बस दो फीचर थे जिन्हें आपने अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लेने हैं और उसके बाद हम फ़ोटो शूट करने के लिए तैयार हैं बिल्कुल अपने फ़ोन के साथ। साथ में यहाँ पे AI वगैरह का फीचर है, वो आपने बंद कर देना, उससे फ़ोटो जो है आर्टिफिशियल लगती है। तो ये AI का आपके फ़ोन में अगर फीचर है तो उसे ऑफ़ कर देना आप।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इन शख्स को, ये हमारे मॉडल हैं, मैंने खड़ा कर दिया इस ईंटों के टेक्सचर के पास, क्योंकि ये वाला टेक्सचर जो पोजिशनिंग है ये बहुत अच्छी है, और जब हम एडिटिंग करेंगे और फोटो क्लिक करेंगे तो ये बहुत ही एक रो और एक अच्छी सी फ़ोटो जो बन के हमारे सामने आएगी इस टेक्सचर की वजह से। साथ में हमने जो गाइडलाइंस के बीच में हमने जो हमारे पर्सन है उन्हें पोजिशनिंग करनी है, और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि अभी मैंने सिंपल कैमरे पे कर रखा है, अभी मैं इसे पोर्ट्रेट मोड पे लेके जाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा क्लोज़अप शॉट लेने का मेरा इच्छा है, तो पोर्ट्रेट मोड का हम इसमें यूज़ करेंगे, और उसमें मैं बताता हूँ कि आपको कितना अपर्चर लेके यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपने साफ जो है ख्याल रखना है कि आपका जो अपर्चर है वो 4 या 4.5 से ज़्यादा ना हो, और जो है अपर्चर वो कम भी नहीं होना चाहिए, अगर आप कम कर देंगे तो बहुत ज़्यादा ब्लर हो जाएगा जो कि आर्टिफिशियल लगता है। और आपने जो पोजिशनिंग रखनी है पर्सन की वो बिल्कुल एज इट इज़ जैसे मैं रखवा रहा हूँ यहाँ पे वैसे रखोगे तो बहुत अच्छी फोटो आएगी। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं अपने ठीक सामने ये फोटो जो है मैंने क्लिक की, और कितनी शानदार लग रही है फोटो, इसमें मैंने कोई एडिटिंग नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, और बिल्कुल एकदम परफेक्ट एंगल आपको देखने को मिल रहा है इस फोटो के अंदर। दोस्तों कोशिश आपने ये करनी, जब भी आप फोटो क्लिक करें तो एक दो कॉन्टिन्यूस फोटोज ले लें, जिसमें से आप बाद में सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी आपकी बेस्ट फोटो आई है और उसको उसमें एडिट कर सकते हैं उसके बाद। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ पोज नंबर 2। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी लोकेशन जो है चेंज कर ली, और आपने ऐसी लोकेशन देखनी जिसमें हल्की सी दो एक साइड पर धूप आए और एक साइड में जो छांव आ जाए, जिससे कि एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बन जाएगा फ़ोटो के अंदर, और एक बहुत ही शानदार जो है फ़ोटो बन के आती है ऐसे पैटर्न्स में। इसमें यहाँ पे हमने देखा जैसे वर्टिकल में यहाँ पैटर्न लिया है, और ये सब्जेक्ट हमने जो बीच में एक बंदे को खड़ा कर दिया मॉडल को हमारे को, साथ में जो वर्टिकल की स्लोपिंग है ये बहुत अच्छी लगेगी, और आपने देखना थोड़ा पैटर्न सा बन जाए बीच में आ जाए, जैसे शर्ट के मैं अब बीच में इस फ़ोटो को मैं क्लिक करूँगा। तो फ्रेंड्स ये वाली फ़ोटो हम वर्टिकल में लेंगे, तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना कि आप सिंपल मोड पे जो है कैमरे को यूज़ करें, और थोड़ा सा यहाँ पे मैं जूम कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये वीडियो साथ ही साथ शूट कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसे जूम कर रहा हूँ। आपको थोड़ा सा अगर आप आगे जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, इसमें कि कैमरा क्वालिटी जो घटती नहीं है। आपने मेजर जो चीज़ें देखनी है वो हेडरूम देखनी है, हेडरूम अगर ज़्यादा हो जाएगा तो जो गाइड ग्रिड लाइंस होती है ना वो मैच नहीं करती, हेडरूम मिनिमम रखना है आपने, जिससे कि फ़ोटो बहुत अच्छी खींच के आती है और एकदम प्रोफेशनल टाइप फ़ोटोज़ आती हैं उसकी वजह से। अब मैं फ़ोटो दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स ये मैंने फ़ोटो क्लिक की, और यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड, हम नोटिस करेंगे थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई है, ये जगह मैंने इसलिए छोड़ी क्योंकि ये पर्सन जो है लेफ्ट हैंड साइड देख रहा है हमारे, तो ये फ़ोटो में जगह जो छोड़नी ज़रूरी होती है लुकिंग स्पेस होती है ये, और ऊपर आप देख सकते हैं हेडरूम में मैंने ठीक ठीक जगह जो छोड़ी, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लुकिंग फ़ोटो जो लग रही है ये। अब हम चलते हैं पोज नंबर 3। दोस्तों हम आते हैं पोज नंबर 3 के ऊपर। तो पोज नंबर 3 में हमने यहाँ पे पर्सन को जो है ये सीढ़ी के यूज़ के साथ यहाँ पे हमें बिठा दिया, प्लेस कर दिया है, और आपने यहाँ पे एंगल, और ये लोअर एंगल हम शॉट लेने वाले हैं। मैं आपको लोअर एंगल शॉट का भी बता देता हूँ कि क्या फ़ायदा रहता है। लोअर एंगल शॉट्स हम तब यूज़ करते हैं जब पर्सन की जो बॉडी हो स्किनी हो, या फिर बंदे की, हमारे जो छोटे कुछ भाई होते हैं जिनकी हाइट थोड़ी छोटी होती है, उनके लिए शॉट्स बहुत ही बेनिफिशियल रहते हैं, जिससे कि आपको एक ह्यूज सी बॉडी लगती है उसके अंदर लोअर एंगल शॉट्स में, और एक पर्सनैलिटी बंदे की अलग सी लगती है। मैं आपको फ़ोटो ये वाली क्लिक करके दिखाता हूँ अभी कि कैसी लगती है। लोअर एंगल शॉट लेने के लिए सबसे पहले तो आपको नीचे बैठ जाना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे से अगर आप शॉट लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। साथ में हमने ऐसे पर्सन को प्लेस कर दिया, यहाँ आपने सीधा सीधा जो है फ़ोटो को यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, जैसे हमने मैंने बताया आपको लेफ्ट हैंड साइड बंदे को रखना है, राइट हैंड साइड जो लुकिंग स्पेस आ रही है सीधा आपने जो फ़ोटो है कर देनी क्लिक। और अब मैं आपको दिखाता हूँ जो फाइनल रिजल्ट कैसा आया है। लोअर एंगल फ़ोटोज़ कुछ ऐसी दोस्तों फ़ोटोज़ होती है जिसमें हर बंदे की जो पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाती है, लिख के ले लो मेरे से। तो दोस्तों ये है फ़ोटोज़ जो मैंने क्लिक की थी, और फाइनल रिजल्ट में ये फ़ोटो आई है विदाउट एडिटिंग। और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने हेडरूम इतना ज़्यादा तो क्यों छोड़ रखा है, क्योंकि दोस्तों ये एक लोअर एंगल शॉट है, और इसमें लोअर एंगल शॉट में अगर आसमान हम दिखा सकते हैं ना तो एक बहुत ही अच्छा लुक दे देता है स्काई, और एडिटिंग में बहुत शानदार फोटो बनती है। तो फ्रेंड अब फोर्थ नंबर पोज के लिए हमने एक लोकेशन देखनी जहाँ से हमें जो बाहर को जो व्यू दिखे, और यहाँ पे एक ऐसा व्यू हमें देखना है जिसमें नेचर का व्यू आए, और हम जो लेफ़्ट साइड है यहाँ पे अपने पर्सन को जो प्लेस कर देंगे, और राइट हैंड साइड जो होगी वो सारा व्यू हम दिखाएंगे इस फोटो के अंदर, जिसमें कि नेचुरल फ़ोटो भी हो जाएगी, एक नेचर की फ़ोटोग्राफी भी हो जाएगी, साथ ही साथ जो पर्सन जिसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं उसकी फ़ोटो भी आ जाएगी। तो ये फ़ोटो भी बहुत कामयाब फ़ोटो होती है। तो फ्रेंड्स इस तरह की फ़ोटो क्लिक करने के लिए आपको करना क्या है, एक तो नेचर की जो है सीनरी ले लेनी है, साथ ही साथ अगर आप अपना बंदा जो लेफ़्ट हैंड साइड खड़ा कर रहे हैं तो राइट जो नेचर की तरफ है वहाँ पे एक बार टैप करके आपने फोकस करना है, अगर आप बंदा अपना राइट हैंड साइड खड़ा कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड नेचर की तरफ करके क्लिक कर देना, जिससे कि ये होगा जो आपका बंदा होगा वो हो जाएगा ब्लर, और जो नेचर का सीन है वो आ जाएगा फोकस में।
तो दोस्तों यह फ़ोटो जो मैंने क्लिक की है, और आप देख सकते हैं कितनी शानदार ये फ़ोटो जो है एंड में बन के आती है फाइनल रिजल्ट में। हेडरूम आप देख सकते हैं बहुत मिनिमल सा रखा हुआ है। साथ ही साथ जब मैंने आपको कहा था फोकस जो आपका करना है बहुत ज़रूरी है, अगर आप इन फ़ोटोज़ को जूम करके देखेंगे तो जो फोकस है वो जो नेचर पे आ रहा है और लेफ्ट हैंड साइड वाले बंदे पे आ रहा है ब्लर। तो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं इस वीडियो के लास्ट पोज के ऊपर, और लास्ट पोज में हमने करना क्या है कि यहाँ पे मैंने एक जो वुडन सा स्टूल सा बना हुआ है, वैसे तो ये पेटी थी बट इसको हमने एज ए स्टूल जो है हम यूज़ कर रहे हैं विंटेज सा लुक देने के लिए, और इस पर हमने अपने जो है पर्सन को यहाँ पर बिठा देना है। साथ ही साथ पोज जो है आपने सिंपल लेना है, इसमें जो हम पूरी बॉडी कवर करेंगे पर्सन की, और हम ये पोज एज ऐसे ले रहे हैं कि पर्सन कुछ सोच रहा है और कुछ डीप थिंकिंग में चला गया, तो ये पोज बहुत अच्छा आता है। इस वाले पोज को मैं तो अपने फ़ोन से डेप्थ इफेक्ट में खींच रहा हूँ बट उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके फ़ोन में डेप्थ इफेक्ट नहीं है तो भी आप अपने सिंपल कैमरे से भी इस फोटो को बहुत ही शानदार तरीके से खींच सकते हैं और उसको एडिटिंग में बहुत ही एक अलग लेवल पे लेके जा सकते हैं। यहाँ पे अपने पर्सन को जैसे कि यहाँ पे बिठा दिया है, और आप देख लीजिए अभी फ़ोटो मैंने क्लिक भी नहीं की तो कितना बढ़िया पोज लग रहा है। शूज़ आउटफिट, इस फोटो में थोड़ा आउटफिट भी मैटर करता है, अगर आपका आउटफिट आउटफिट अच्छा हुआ ना तो ये फ़ोटो वैसे ही बहुत अच्छी लगने वाली है आपको। और यहाँ पे हमने पर्सन को बिठा दिया है, साथ में एक बार आपने लाइटनिंग वगैरह चेक कर लेनी क्योंकि ये वाली जगह थोड़ी सी छाँव वाली जगह है, तो यहाँ पे थोड़ी सी लाइटनिंग आपने चेक कर लेनी कि फेस विजिबल हो तो बहुत ही अच्छी फोटो आएगी। साथ साथ जो सीटिंग है एक लेग आगे पीछे होनी चाहिए क्योंकि दोनों जैसे कि मैंने आपको बताया फुल में हम फोटो ले रहे हैं। तो दोस्तों यह फोटो देख सकते हैं फाइनल रिजल्ट में कितनी अच्छी लग रही है। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ लाइट जो है डल हो गई बट इसको एडिटिंग में मैं सही कर दूंगा और बहुत ही शानदार लग रही है फोटो। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो थी कुछ 5 पोजेस के बारे में, और अगर आप चाहते हैं कि मैं कैमरा के प्रो मोड को सिखाऊं और प्रो मोड को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं फ़ोन के कैमरे से, तो उस पर मैं वीडियो ला सकता हूँ। आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, और मैं इसकी जो सारी जो एडिटिंग वाली फ़ोटोज़ हैं वो मैं वीडियो के लास्ट में भी डाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं उनको क्या कुछ मैंने फ़र्क दिखाया है दोनों फ़ोटोज़ के अंदर। और अगर आपकी फ़ोटोज़ आपने क्लिक कर ली हैं और आप एडिट करवाना चाहते हो तो यार मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और मेरे को ना इंस्टाग्राम पे फ़ोटो भेज देना, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी जो है फ़ोटो एडिट करके आपको वापस सेंड बैक कर दूंगा। और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक अगर आपको वीडियो पसंद आई है। तो ये जो फ़ोटोज़ मैंने एडिट की हैं, अगर आप इसके ऊपर वीडियो चाहते हैं एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो आप मेरे को बताना, मैं यही फ़ोटोज़ जो रॉ वाली हैं वो मैं एडिटिंग करके दोबारा आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने एडिटिंग की और कैसे इन फ़ोटोज़ के अंदर मैंने लाइट्स का कैसे मैनेजमेंट किया है और कैसे इस फोटो को सिनेमैटिक लुक दिया है, तो मेरे को कमेंट करके बता देना। I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos where you go. Every corner twice as bright, there'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Tomorrow feels a year away, like the seconds that be-